पूर्वांचल की सियासत के कभी बेताज बादशाह रहे। पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी को लेकर फिर एक बार सियासत गर्मा गई है। हरिशंकर तिवारी की जयंती पर 5 अगस्त को उनकी प्रतिमा लगाने की तैयारी थी। प्रतिमा लगाने के लिए पैतृक गांव टांडा में बनाए गए चबूतरे को प्रशासन ने बुधवार को बुलडोजर से ढहवा दिया। योगी सरकार के इस एक्शन को हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी ने ब्राह्मण स्वाभिमान से जोड़ा तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी समर्थन में उतर गए। वहीं बीजेपी का कहना है कि तिवारी परिवार अपनी खत्म होती सियासत को बचाने के लिए ओछी राजनीति पर उतर आया है। साल 1985 से लेकर 2007 तक विधायक और अलग अलग सरकारों में मंत्री रहे हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा लगाने का फैसला टांडा ग्राम पंचायत ने लिया। हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय तिवारी ने कहा कि प्रतिमा अनावरण के लिए बनाए गए चबूतरे का निर्माण ग्राम पंचायत और ग्राम प्रबंध समिति के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए उप जिलाधिकारी से स्वीकृति लेने का प्रस्ताव भेजा गया, इसकी तैयारी भी चल रही थी। ऐसे में अचानक 31 जुलाई को प्रशासन ने प्रतिमा को ढहवा दिया। गोरखपुर प्रशासन का कहना है कि ग्राम सभा की जमीन पर बिना अनुमति के चबूतरे का निर्माण किया जा रहा था, जिसको लेकर गांव के राजवशिष्ठ त्रिपाठी ने प्रशासन से सरकारी भूमि पर बिना शासन के आदेश के प्रतिमा लगाने का और ग्राम सभा के मुख्य द्वार पर नाम बदले जाने की शिकायत की। हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा के लिए बनाए गए चबूतरे को प्रशासन द्वारा ढहवा जाने के बाद अब सियासत तेज हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अब तक बीजेपी के बुलडोजर दुकान मकान पर चलते थे, अब दिवंगतों के मान सम्मान पर भी चलने लगे। चिल्लू पार के 7 बार विधायक रहे यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी जी की जयंती पर उनकी प्रतिमा के प्रस्तावित स्थापना स्थल को भाजपा सरकार द्वारा तुड़वा देना बेहद आपत्तिजनक कृत्य है। इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि प्रतिमा स्थापना स्थल के तत्काल पुनर्निर्माण किया जाए, जिससे जयंती दिवस 5 अगस्त को प्रतिमा की सम्मान स्थापना की जा सके। वहीं हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय तिवारी ने सोशल मीडिया पर लंबा पोस्ट लिखकर योगी सरकार को निशाने पर ले लिया है। उन्होंने कहा कि ये प्रशासन की गुंडाई, सत्ता अहंकार और व्यक्तिगत दुश्मनी के तहत किया गया। विनय शंकर तिवारी ने कहा कि ये कार्यवाही ब्राह्मण स्वाभिमान को चुनौती और समूची इंसानियत की हत्या है। ये निर्णय समय पर चिल्लू पार विधानसभा में लोग तो करेंगे ही और देश और प्रदेश के निवासियों को भी करना चाहिए। हरिशंकर तिवारी की मूर्ति लगाने का निर्णय उनके पुत्र का नहीं बल्कि गांव और समाज के लोगों का था। पूर्वांचल में हरिशंकर तिवारी को ब्राह्मणों का कद्दावर नेता माना जाता था। हरिशंकर तिवारी और सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों ही गोरखपुर की राजनीति की धुरी रहे। एक जहां राजनीति के बाहुबल के दौरे में परवान चढ़ा तो दूसरा हिंदुत्व की विचारधारा के सहारे सीएम की कुर्सी तक पहुंच गया, लेकिन दोनों कभी भी राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में साथ नहीं रहे। पूर्व उत्तर प्रदेश में जातीय गोलाबंदी की राजनीति में योगी जहां गोरक्षा पीठ के प्रतिनिधित्व करते थे, जिसे दिग्विजय नाथ के समय से ठाकुरों की पीठ कहा जाता है, जबकि दूसरी तरफ हरिशंकर तिवारी ने ब्राह्मणों को लामबंद किया। सीएम योगी और हरिशंकर तिवारी की सियासी अदावत जगजाहिर है, इसलिए विनय शंकर तिवारी ने हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा को प्रशासन के ढहाए जाने पर बात इस मामले को ब्राह्मण समाज के स्वाभिमान से जोड़ने की कोशिश की और अखिलेश यादव के इस मामले में कूदने के बाद सियासी रंग चढ़ना लाजमी है। अखिलेश यादव की नज़र अब ब्राह्मण वोटों पर है, जिसका संकेत उन्हें माधव प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाकर ले लिया। अब हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा लगाए जाने के बाद, चबूतरे को ढहाए जाने के बाद जिस तरह से ट्वीट कर रहे योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाया है, उसे ब्राह्मण वोटों को साधने की मंशा से देखा जा रहा है। हरिशंकर तिवारी और माता प्रसाद पांडे दोनों ही पूर्वांचल और गोरखपुर मंडल से आते हैं। ये वही इलाका है जिसे मुख्यमंत्री योगी का गढ़ कहा जाता रहा है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वेल इंडिया।